हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? यू आर फाइन एवरीवन? ओके, आज मैम आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगी वो है गुड हैबिट्स एंड मैनर्स। अब आप सब में गुड हैबिट्स भी हैं और मैनर्स भी हैं, तो अब मैम आपको आज चेक करवाती हैं आपकी मैनर्स और गुड हैबिट्स में कौन सी हैबिट्स आप में हैं। तो मैम ने यहाँ पे कुछ मैनर्स और गुड हैबिट्स के पिक्चर्स हैं यहाँ पर लिए हुए हैं, इसमें से देखिए। फर्स्ट नंबर की है वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या करना चाहिए आपको? सुबह जल्दी उठना चाहिए। देखिए ये बच्चा भी जल्दी उठ गया ना। फिर नेक्स्ट है से गुड मॉर्निंग टू योर पेरेंट्स। जब आप उठ जाते हैं तो अपने मम्मी पापा को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आपके दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको क्या बोलना चाहिए? से गुड मॉर्निंग। एंड थर्ड, ये टू नंबर की है, थर्ड नंबर पे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक पे जाते हो आप? सबको जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप फिट रहते हैं। इसके बाद है रिस्पेक्ट योर टीचर। आप स्कूल जाते हैं तो आपको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स की ही नहीं, सबकी, मम्मी पापा की, अपने ग्रैंड फादर्स की, आपके अपने जो भी आपके मिलते हैं सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है हेल्प अदर्स। अब देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, ये यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें ये बेबी, ये बच्चा है, बॉय है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए हैं, इनको हेल्प चाहिए, इनको तो इनको हेल्प चाहिए, अब इनको ठंड लग रही है, तो इस बच्चे ने क्या किया, अपना ये ब्लैंकेट लाया और इन अंकल को दे दिया, क्योंकि इनको ठंड लगी थी ना, ब्लैंकेट इनको दे दिया, तो इसका है हेल्प्स अदर। नेक्स्ट है से थैंक यू इफ समवन गिव्स यू समथिंग। जब आपको कोई कुछ चीज देता है तो आपको क्या बोलना चाहिए? से थैंक यू। बोलते हो आप थैंक यू? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं बोलते हैं, पर आपको बोलना चाहिए, ये सबसे अच्छी गुड हैबिट है। फिर नेक्स्ट है से सॉरी इफ यू डू समथिंग रॉन्ग। अगर आप कुछ गलती कर देते हैं, जैसे अब इस बच्चे से ग्लास है ना ये टूट गया है, तो इसने अपनी मम्मा को सॉरी बोला है ना, तो से सॉरी, इसने गलत किया है ना, ग्लास गिरा दिया, ये टूट गया, तो मम्मा को सॉरी बोल दिया है, ठीक है? नेक्स्ट है थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। आपका गार्बेज होता है या वेस्ट होता है उसको कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में। देखिए ये बच्चा भी डस्टबिन में थ्रो करना है, कर रहा है ना, आपको भी ऐसे ही करना है। फिर नेक्स्ट है से गुड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। जब आप अपने बेड पे सोने के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना है? गुड नाइट विश करना है सबको। सब करते हैं गुड नाइट विश, वेरी गुड। आप सेकंड देखिए, वेक अप अर्ली, जल्दी उठना है, ब्रश योर टीथ, ब्रश करना है, टेक अ बाथ डेली, डेली नहाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेली नहीं नहाते और नहाने के लिए रोते हैं, आपको रोना नहीं है नहाने के लिए, डेली नहाना है। ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड, और आपको क्या खाना है, फ्रेश एंड हेल्दी फूड ईट करना है। कॉम्ब योर हेयर, आप अपने हेयर्स कॉम्ब करते हैं, हेयर कॉम्ब भी करने और हेयर पे ऑयल भी लगाना है, ऑयलिंग भी करनी है हेयर पे, ओके? कट योर नेल्स, नेल्स कट करने हैं, जैसे संडे टू संडे आप नेल्स कट कर सकते हो, आपकी स्कूल ऑफ होती है उस दिन आप अच्छे से नेल्स कट कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट है ड्रिंक क्लीन वाटर, आपको क्लीन वाटर ड्रिंक करना है, उससे आप कभी भी है ना बीमार नहीं होगे। फिर नेक्स्ट है वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड एनी फूड। जब भी आपको कुछ खाना है ना तो आपको क्या करना है, आपके हैंड्स वॉश करना है, वॉश योर हैंड, ओके? टेक एक्सरसाइज डेली, जो बच्चा डेली एक्सरसाइज करेगा वो हेल्दी एंड फिट होगा ना। स्लीप ऑन टाइम, और आपको अपने टाइम से सोना है, ये नहीं लेट तक आप जगे हुए हैं टीवी वॉच कर रहे हैं, ज्यादा टीवी भी वॉच नहीं करनी है, आईज भी